सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद सुधीर कुमार खोबे। आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे पता करें कि संख्या पूर्ण वर्ग होगी। संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग की परफेक्ट स्क्वायर की संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो संख्या में क्या होते हैं? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से स्थान होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि थोड़ा हम इससे उल्टा चलते हैं कि कब कब संख्या पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो चार ऑप्शन में से हम पहले वो संख्या छांट लेंगे जो परफेक्ट रूट नहीं है, जो बचेंगी उसमें फिर हम जो परफेक्ट स्क्वायर के रूल हैं वो लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हम देखते हैं यदि संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यानी कि संख्या हमने लिख ली है 5, 4, 3, 3, 4, 2, तो क्या संख्या पूर्ण वर्ग होगी? नहीं, क्योंकि यहाँ इकाई का अंक क्या मिला है हमें? 2। इकाई का अंक यदि हम इसको 2 से बदल के 7 कर दें तभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, 7 से बदल के 8 कर दें तभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यानी कि यदि संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है? यदि संख्या के इकाई का अंक 6 है तो उससे पहले सम संख्या हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होती है। यानी कि 6 इकाई का अंक 6 है और उससे पहले कोई सम अंक आ जाए, जैसे 4 आ जाए या 2 आ जाए, तो वो क्या होगी? वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्योंकि 6 से पहले हमेशा ढाई का अंक क्या आता है? विषम संख्या आती है। तो अगर जो सम संख्या होगी तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है। अब रूल नंबर 3 देखते हैं। यदि संख्या के इकाई का अंक क्या है? 1, 4 या 9 है और उससे पहले विषम संख्या आ जाए, यानी कि इकाई का अंक हमारे पास क्या है? 9 है, 4 है, 9 है और 1 है, और इससे पहले विषम आ जाए 14, 79 और ये आ जाए हमारे पास 5, यानी कि तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जिसके इकाई का अंक 1, 4 या 9 आता है उससे पहले हमेशा सम संख्या आती है। तो समझ में आया ये रूल। इसके बाद हम आते हैं, यदि संख्या के इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 2 को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यानी कि जब जब भी हम देखते हैं तो लास्ट का अंक 5 है तो 5 से पहले 2 आता है हमेशा, यदि 2 के स्थान पे 3, 7, 8 कुछ भी आ जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ये 4 रूल है जिससे हम ये ज्ञात करेंगे कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं, उसके लिए कुछ रूल हैं। तो एक रूल है हार्ड एंड फास्ट, कोई किसी भी संख्या पे लगेगा। यदि संख्या के इकाई का अंक 5 है वह ढाई का अंक 2 है तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। यदि शेष बची संख्या के अंकों से हमें ऐसे गुणनखंड मिले जो क्रमागत संख्या हो, जैसे हमारे पास है 225, ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक 5 है, ढाई का अंक हमारे पास क्या है? 2 है। तो हम क्या कह रहे हैं, ये कब पूर्ण वर्ग तो होगी। अब इसके बाद हमें इधर भी चेक करना होगा, ये हमें 2 मिला है, 2 के हम ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जिन जो क्रमागत संख्या, तो 2 के हमने गुणनखंड किए 1 और 2, तो ये क्या क्रमागत संख्या है? 1 और 2 क्रमागत संख्या है, सही बात है। तो यहाँ ये रूल तब ब्रेक होता है कि जैसे हमने लिख दिया 125, क्या 125 पूर्ण वर्ग है? तो 5 है, 5 के बाद 2 भी है मगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके लिए हमें लास्ट शेष बची संख्याओं को ध्यान देना होगा। तो शेष बची संख्याओं के लिए हम शेष बची संख्या को ऐसे फैक्टर में बदल लेते हैं जो क्रमागत संख्या होती है तो वो पूर्ण वर्ग होती है। जैसे हम इसमें आ रहे हैं 1225, तो 1225 में यहाँ 2 है, 2 के बाद शेष संख्या 12 बच रही है और 12 के हमने 2 फैक्टर किए हैं 3 और 4, तो हम देखते हैं 3 और 4 क्रमागत संख्या है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। नेक्स्ट आते हैं 625, तो 25 के 5 से पहले 2 है, अब हम 6 को ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं जो क्रमागत संख्याएं 2 या 6, तो
क्रमागत संख्या है? हाँ है। इसके बाद हम 20-25 को देखते हैं, तो 20-25 में हम क्या कर रहे हैं कि दो के बाद दो ढाई का अंक है और इधर शेष बची संख्या 20 है, 20 को हम तोड़ लेते हैं 25 किस में तोड़ लेते हैं, 4 और 5 में, 4 और 5 क्रमागत संख्या है इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 5 के लिए ये रूल हर संख्या पर अप्लाई होता है। इसके बाद आता है यदि संख्या की इकाई का अंक 1, 4, 9, 6 या 5 हो तो संख्या और तो वो संख्या के पूर्ण वर्ग होने की संभावना है। ऊपर के नियम लगा के हम निश्चित निकाल सकते हैं, मगर इसका यदि अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 1, 4, 7 या 9 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है। कहीं कहीं यह रूल ब्रेक भी होता है, आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बता देता हूँ और क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये अप्लाई होता है मोस्ट ऑफ द नंबर पर अप्लाई होता है, मगर कहीं कहीं ब्रेक हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। प्लीज प्रेस द बेल आइकन।